आड़ रहे हैं, सारे बच्चे आपके कांवड़ ढो रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, यस कबीरदास की बात कर रहे हैं, यस 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 कबीर की भाषा वो नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए कांवड़ ढो रहे हैं। दायित्व बनता है आपको समझाना चाहिए, हमारे बड़े हैं, हम बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन हम दायित्व अपना निभा रहे हैं। जितने लोग यहाँ दिखाई पड़े हैं ये कांवड़ ढोने वाले नहीं लोग हैं, ये संविधान के मानने वाले लोग हैं और अपने अधिकार छीनने वाले लोग। राष्ट्रद्रोह लगेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाह रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र तो बनी नहीं सकता है, आपके पास एनएसए लगेगा। झूठे लोग हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, भड़का रहे हैं लोगों को। अगर ये हिंदू कहते हैं तब भी झूठा है, क्योंकि हमको जब जरूरत पड़ती है तो चमार कह देते हैं, हमको पासी कह देते हैं, खटिक कह देते हैं, आहिर कह देते हैं, गडेरिया कह देते हैं, हिंदू क्यों नहीं कहते हैं? क्या इनके दम है हमको हिंदू कहने का? अगर ये मुझे हिंदू कह दें, जेल जाओगे? जेल जेल तो मेरा खेल है, जेल भेजने का कोई चिंता है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन आज लखनऊ में चल रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। एससी एसटी ओबीसी जो कर्मचारी वर्ग है उसका एक बड़ा संगठन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भवनाथ पासवान हमारे साथ हैं, पिछले वर्ष भी मैंने इस कार्यक्रम को जब लखनऊ में हुआ था उसकी तस्वीर आपको दिखाई थी। पासवान जी, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह के कर्मचारी हैं, क्या डिमांड है, पूरा अधिवेशन क्या है? मैं भवनाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारा ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है ये वार्षिक है, हर वर्ष हम जो है बड़े पैमाने पे, और इसमें पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो हैं प्रतिनिधि आते हैं। बड़ी भीड़ नहीं है जी, लेकिन कम भी नहीं है। नहीं कम नहीं है, मैं बड़ा नहीं बोलता, खचाखच भरा हुआ है। हाँ, खचाखच भरा हुआ है। मुझे ये कह के कि बहुत बड़ा भीड़ है प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के 26 प्रदेशों में जबरदस्त लोगों का रुझान है। अभी तेलंगाना में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें 5-6 लाख लोग रहेंगे जी। और उसको भी अभी मैं छोटा इसलिए मानता हूँ कि देश की जो आबादी है, जो दबे कुचले पिछड़े लोगों की है, और जिनको आवश्यकता है भारत के संविधान की जी, जिसके बदौलत वो बोल पा रहे हैं, हम लोग चल पा रहे हैं, उसको बचाने के एक बड़ा भारी बीड़ा उठाया है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। आज जो यहाँ सरगर्मी आप देख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि खचा खच भरा हुआ है, नो डाउट खचा खच भरा है, और बहुत लोग हमारे यहाँ उपस्थित है जी। और एक एक प्रतिनिधि दूर से, कोई हवाई जहाज से, कोई ट्रेन से, कोई अपने साधन से, सब चले आ रहे हैं जी। मांग क्या है, करना क्या है हमको, जो भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है जी, उसको बचाना है। सरकार की जो नीति है कि डिवाइड एंड रूल, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों की एकता बन रही है, जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता बनाना चाहता पूरे देश में, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये छिन्न भिन्न करना चाहते हैं जी, जी, जी। वर्गीकरण करके जाति समीकरण को तोड़ना, इस पर बड़ा मंथन है। और जो हमारा नौजवान पढ़ लिख के नौकरियों में आ रहा है, और जब नौकरी में आता है तो पता चला उसका पेंशन मिलेगा ही नहीं, उसका भी यहाँ खुलासा हो रहा है, विरोध हो रहा है कि भाई जो नई स्कीम है इसको रद्द किया जाए, पुरानी स्कीम लागू किया जाए। बुढ़ापे में उसको वो एक ही साधन मिलता है, उसका पेंशन होता है। पेंशन छोड़िए, तो अग्निवीर योजना लाकर 4 साल की नौकरी दे दी है। अब अग्निवीर में आप क्या करेंगे, 4 साल बाद वो और बेकार हो जाएगा, फिर क्या करेगा? सिखा के आप उसको कहीं रोड पर डाल देंगे तो फिर क्या करेगा? परिवार चलाने के लिए फिर लूटमार करेगा। इसलिए स्थायित्व करना चाहिए, स्थायित्व नौकरी देनी चाहिए। और जो ये 5 किलो राशन वासन दे के ये लोगों को बरगला रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। आज यहाँ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, अधिकारी कर्मचारी के साथ समाज सेवी जो अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं समाज में, वो सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, अभी आपने कुछ सैकड़ों संगठनों को इकट्ठा करके अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी एक संगोष्ठी की थी, क्या निष्कर्ष निकले हैं सारी संगोष्ठी? अभी हम फिर से जी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, ये गौतम जी हमारे ओपी गौतम जी हैं, ये वहाँ के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राम सिंह जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सारे पदाधिकारी। ये कर्णम किशन जी हैं, ये तेलंगाना से आए हुए हैं, ये हमारे दक्षिण भारत के प्रभारी हैं, और ये राष्ट्रीय महासचिव। ऐसे पूरे देश के लोगों को 26 तारीख को हम दिल्ली में बुला के, ये जो सरकार जनगणना कराने की बात कर रही है, हमारी मांग है कि उसमें जातीय जनगणना हो जी। और जातीय जनगणना करने के बाद सबका प्रतिनिधित्व मिले,
नहीं जातीय जनगणना की तो सरकार बात ही नहीं कर रही है, सरकार तो वर्गीकरण कर रही है आरक्षण में। अब हम ये तो आपको पहले बता दिए कि जो डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सहारे लिए इसको बांटना चाहती है बिल्कुल, और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच इसको समेटना चाहती है, सबको एक साथ लेना चाहती है, एक बड़ा संगठन बना के अपने अधिकारों के अपने संविधान को बचाने का काम करना चाहती है। इसलिए हम पूरे देश के लोगों से आज मंथन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। 26 नवंबर को हम दिल्ली में जब बैठेंगे पूरे देश के प्रतिनिधि आएंगे, सारे पदाधिकारी आएंगे, उसमें हम वहाँ से ऐलान करेंगे कि हम पूरे देश में भ्रमण करेंगे, जाके सरकार से मांग करेंगे कि जाति जनगणना जरूर कराई जाए। अगर जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी तो इनके पास आंकड़े नहीं होंगे और हमारे लोगों को चुन चुन के बांट के और एक तरफ से राज करने की। पासवान जी, सरकारी कर्मचारी संगठन एक है, सामाजिक संगठन एक है, लेकिन कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं तो उनका बिखराव है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो बिखराव इस समाज की दुर्गति का कारण है? बिल्कुल कारण है। आप यहाँ देखेंगे मंच पे, अगर आप देखेंगे किसी राजनैतिक दल के व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है। ये साबित करना चाहते हैं कि राजनैतिक लोग अपनी रोटियां अगर सेकते हैं, हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं और अपना तगमा बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ये जो मंच बना है, जो बृहद मंच देख रहे हैं, बड़ा मंच देख रहे हैं, जहां बैठने की जगह लोगों को नहीं मिल रही है, वो सारे के सारे लोग निर्णय लेंगे कि हम राजनैतिक दलों से अपेक्षा न करके बल्कि संगठित होकर अपने अधिकार छीनने का काम करेंगे। तो राजनीति में जाएंगे आगे चल के? राजनीति में कौन नहीं है, सभी लोग राजनीति में है, जो कहते हैं मुझमें राजनीति से कोई मतलब नहीं वो भी राजनीति में है। और वोट डालते हैं तो चुन के डालते हैं कि मेरी कौन पार्टी है, तो सारे लोग राजनीतिक हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि आप राजनीति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम ऑलरेडी राजनीति में हैं जी। अगर हमको राजनीति का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, हमको किताब पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, तो हम फिर ऐसे भटकते रहेंगे। हमको राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ना आता है, संविधान भी पढ़ना आता है और जो अधिकार है उसको भी जानते हैं। इसलिए हमको ये ना कहा जाए कि कब राजनीति में जाएंगे। हम अपने लोगों से बात करेंगे, बात करके अगर नहीं, आपके जैसे साथियों का राजनीति में जाना बहुत जरूरी है अम्बेडकरवादी लोगों का, क्योंकि इस देश की सरकारें अगर डरती हैं तो अम्बेडकरवादी नेता से डरती हैं। देखिए, अगर अम्बेडकरवादी सही अम्बेडकरवादी है तो वो थर्राएंगे, कांपेंगे, और जैसे कहते ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पीने की बात नहीं है, कोई पीता उता नहीं, दूध पीने से कोई बलवान नहीं होगा। उसका मकसद है कि जो महापुरुषों की किताब है, जिन लोगों ने उसको पढ़ के लिखाया है, पढ़े लिखे लोगों में और लिखे पढ़े लोगों में भी अंतर है, तो जो पढ़ा है वो हमारे भारत के संविधान लिखवाने वाले लोग, बुद्ध के दर्शन पर चलने वाले लोग, हमारे संत रविदास के कदमों पर चलने वाले लोग, संत गाडगे के कदमों पर चलने वाले लोग, संत कबीर के कदमों पर चलने वाले लोग, ऐसे तमाम महापुरुषों की जब किताब हम पढ़ेंगे तब हम दहाड़ेंगे। ये नहीं कहना है दहाड़ रहे हैं, सारे बच्चे आपके कांवड़ ढो रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, यस कबीरदास की बात करते हैं, यस कबीर की भाषा वो नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए कांवड़ ढो रहे हैं। दायित्व बनता है आपको समझाना चाहिए, हमारे बड़े हैं, हम बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन हम दायित्व अपना निभा रहे हैं। जितने लोग यहाँ दिखाई पड़े हैं ये कांवड़ ढोने वाले नहीं लोग हैं, ये संविधान के मानने वाले लोग हैं और अपने अधिकार छीनने वाले लोग। राष्ट्र लगेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाह रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता है, आपके पास NSA लगेगा। झूठे लोग हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। लोगों को अगर ये हिंदू कहते हैं तब भी झूठा है, क्योंकि हमको जब जरूरत पड़ती है तो चमार कह देते हैं, हमको पासी कह देते हैं, खटिक कह देते हैं, आहिर कह देते हैं, गडेरिया कह देते हैं, हिंदू क्यों नहीं कहते हैं? क्या इनके दम है हमको हिंदू कहने का? अगर ये मुझे हिंदू कह दें जेल जाओगे? जेल जेल तो मेरा खेल है, जेल भेजने का कोई चिंता है नहीं। हम इनके बनर घुड़की से डरने वाले नहीं है। योगी प्रशासन NSA लगा देगा आपके ऊपर? प्रशासन किसी को हो, उससे भवननाथ पासवान डरने वाला नहीं है। खुलकर बोलता है सरकार के खिलाफ? हाँ, सरकार के खिलाफ। हमारा तो काम है सरकार के खिलाफ, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की, गौतम जी समझाइए, जेल चले जाएंगे। सरकार हो, हमारा काम है, समझाइए। आप अध्यक्ष हैं, आपके अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं? देखिए, मैं तो राजनीति प्लेटफार्म पे बोल रहे हैं, आपको मेरे बारे में पता है, मैं तो नौकरी में रहते हुए बोलता था, मैं तो आज तक जेल गया ही नहीं जी। लोग कहते हैं ना मैं 10 बार गया, 20 बार गया, अब जेल जाने के भी रास्ते बहुत हैं,
मैं आप अपना उदाहरण देता हूं कि मंडी हाउस पर 90 में धरना प्रदर्शन चला 40 दिन और मैं मंडी हाउस के गेट पर उसी विभाग में नौकरी करता था और 40 दिन धरने में बैठा। मुझसे पूछते थे कि भाई तुम्हारा फोटो खींच के किसी ने दे दिया तो भाई नौकरी चली जाएगी। मैंने मेरी नौकरी नहीं जाएगी, मेरे पास रास्ता है इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ। भाई ये तो उत्तर प्रदेश के दिल्ली के, इनके पास तो रास्ता है, आप तेलंगाना में जाके फंस जाओगे, क्या करोगे भाई? तेलंगाना नहीं, पूरा ऑल इंडिया में हमें कोई फंसाने वाले कोई नहीं। फोटो खींचो नंगा भी टहरेंगे, हम डरने वाले नहीं। ये बाबा साहब अंबेडकर के वरदान है, हम अब ये यानी बाबा साहब अंबेडकर उसूल पे चलने वाले, वो कारवां को आगे बढ़ा रहे। अरे नन्हे मुन्ने के तरह ये हिंदू समाज वो समाज बोलते हो, हम डरने वाले नहीं। हमको क्यों हिंदू नहीं बोलते? अभी तो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी बताए तुम्हारे को काम आए स्वागत हिंदू बोलते, उसके बाद में गटिया बोलते, उसके बाद में चम्बार बोलते, माला बोलते, मादिगा बोलते। ये राजनीतिक क्या चटाते हो इन लोगों को, ये इतने इतना मतलब द्रोह इनके अंदर। हमने अभी हमने पढ़ा कहा ना कि पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, ये किसी के चटाने और बहकाने वाले नहीं है। ये तो बहकाने वाले 5 किलो राशन वाले होंगे तो हमको कौन बहका लेगा, हम तो सब कुर्बान करने वाले लोग हैं। अब तेलंगाना से, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, सारे उत्तर प्रदेश के, गोवा से भी आए हैं, असम से आए हैं, असम से भी आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी आए हैं, मणिपुर से आए हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि 26 प्रदेशों से लोग आए हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। और जो दिखता है वही बिकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के ये वो साथी हैं जो इस देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।